नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं आपके सेक्शन आपके साथ आई नजर डालते हैं राजधानी जयपुर पे। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में जेडीए भू माफियाओं के आगे नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में जोन 5 में हो रहे अवैध निर्माण जोन सीआई के संज्ञान में लाने के बाद भी धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माण ऐसा ही मामला जोन 5 गंगोत्री नगर कृष्ण मार्ग पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जोन सीआई से जानकारी लेने के बाद जोन सीआई का कहना है कि इसे तो पहली छत डालने से पहले ही नोटिस दे रखा है। अब देखने की बात यह है, अगर जोन सीआई द्वारा पहली ही छत डालने से पहले नोटिस दिया हुआ है तो दूसरी छत कैसे डाली गई। इसमें कहीं ना कहीं जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से शिकंजा कस रखा है, वहीं दूसरी तरफ जयपुर शहर गुलाबी नगरी में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। अब देखने की बात यह रह गई कि इस अवैध निर्माण पर जोन अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अगर जेडीए के नोटिस का भी भूमाफियाओं में कोई असर नहीं है तो कब चलेगा इस अवैध निर्माण पर जेडीए का पीला पंजा। इस खबर पर देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।